ये मेरे टूटने हैं। अब पहले ओए टूट भी जाए चला जाएगा, ताव हो जाएगा इसकी भी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैर अच्छे होंगे। तो गाइस ये जो पतंग उड़ रहा है ना, ये कल पड़ा था छत के ऊपर। मैं गया, मैंने कहा ये किसकी डोर है, मैं डोर का पीछा करता गया हूँ और ये पड़ा हुआ था, मैंने उठा लिया। फिर कल उस्मान खान ने उड़ाया, मैंने आज बाबा को कहा कि मुझे उड़ा दे, फिर मैं उड़ाऊँगा जब ये बहुत ऊपर चला जाएगा ना। अगर मैंने इसको यही ठहरा दिया ना ईंट के साथ, उड़ता रहेगा ये तो। ठहरा दे। हाँ ईंट ले आऊंगा, देखते कैसे ठहरता है। यही पे ऐसे ठहरा रहेगा। अब कबूतर 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 कबूतर। ठहरो ठहरो ठहरो। बाबा इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, इसको नीचे ये रख के फिर इसको ईंट के साथ ठहरा देते हैं। मैं बता तो सही कितना ऊपर आपको उठा रहे हैं। अगर मैंने इसको यही ठहरा दिया ना ईंट के साथ, उड़ता रहेगा। इसकी जरूरत नहीं है, बस मैं ऐसे ऐसे करता रहूंगा, ऐसे उड़ता रहेगा। ऐसे लगते है पतंग हमारे घर का पालतू हो गया, वापस नीचे आते घर। तो गाइस ये देखिए, ये है कपास का बीज, हमने सूखने के लिए रखा है, बहुत सॉफ्ट है, नरम नरम। ये देखिए इतना प्यारा सा है, हमने सूखने के लिए रखा है और ये इतना अच्छा है ना, बहुत सॉफ्ट है। तो गाइस अभी हम आए अपने खेत पे, ये देखिए यहाँ पर ये आदमी एक दूसरे को सरसों उठा कर दे रहे हैं और ये अंदर डालते जाते हैं, फिर इसमें से ये देखिए यहाँ से दाना निकलता है। ये देखिए कितना साफ दाना निकल रहा है, और एक पतला दाना निकल रहा है, दूसरा मोटा दाना, मोटा और पतला दोनों दाना निकल रहे हैं। ये देखिए, और ये देखिए फैक्ट्री, इससे ही तो सारा कुछ हो रहा है। और वो देखिए वहाँ पर तूड़ी निकल रही है गाइस, इतना तूड़ी दूर दूर तक उड़ के जा रही है। और ये पड़े हैं दाने, चावल भूल रहा था, ये गाइस दाने पड़े हैं, ये इतना ज़्यादा पड़े हैं। तो गाइस इस बार ना हमारी फसल थोड़ी अच्छी नहीं हुई, पिछली बार अच्छी हुई थी, बहुत अच्छी हुई थी पिछली बार, इस बार अच्छी नहीं हुई थी। देखिए अभी भी डाले जा रहे हैं, ये ऐसे किसी का हाथ आया ना कचूम बन जाएगा, कचूमर बनेगा। और यहाँ से तो गाइस अभी देखे हम आए हैं अपने फसलों पे, और ये देखिए यहाँ पर कटाई हो रही है आदमी गाइस देखे उठा कर देते जा रहे हैं और ये डालते जा रहे हैं, और यहाँ से निकल रहा है दाना, एक जगह से पतला दाना, दूसरी जगह से मोटा दाना, पतला मोटा, ये भी पतला और मोटा दाना निकल रहा है, पता नहीं अलग। ये देखिए कितना अच्छी फैक्ट्री है। तो गाइस ये देखिए कैसी है, अंदर से छान रही है, छान रही है इतना अच्छे से, और यहाँ से बीज निकलता आ रहा है, ब्लैक ब्लैक ब्राउन ब्राउन दाने। एक साल खाली करके दूसरा रखते हैं फिर, और देखिए यहाँ पर बीज पड़े हैं, ये देखिए यहाँ पर अभी भी ज़्यादा दाने, और फिर हरी जहाँ ज़्यादा बीज है, और यहाँ से ये निकलते भी आ रहे हैं सारे, हाथ भी आ जाता है अंदर, इतना बड़ी आ गया ना तो हाथ
कीमा बन जाएगा, यहाँ से सारा कुछ निकल रहा है गंदबला। ये कितना स्पीड में निकल रहा है, और नीचे से तूड़ी गाइस देखिए, तूड़ी भी पक गई है, बहुत है गाइस। दोनों निकल रहे बहुत ज्यादा, ये देखिए तूड़ी उठा रहे हैं, ऐसा निकलता ही रहेगा, बस निकलता ही रहेगा। चलो मैं आपको तूड़ी उठाए दिखा देता हूं, है सारा ये देखिए। ये अभी गाइस अभी मैं जा रहा हूं अपने खेत में मटर चुनने के लिए। ये देखिए कितना गाइस हमारे खेत छान छान के निकाल रही है, ये गंदने फंस रहे मटर ना हमारे खेत में बहुत ज्यादा हो गए, कैसे निकाल रही है। और यहां से दाना आ रहा है, पहले छानती है उसके बाद दाना निकालती है। और ये उगे हुए हैं मटर, ये मेरे तोड़ने हैं अब, पहले ओए टूट भी जाए। और देखिए गाइस, ओए गाइस पहला मटर, ये है सारा दाना इकट्ठा हुआ है, और ये सारे भर भर के अभी तक डाल रहे हैं। देखो ये कितना स्पीड में चल रही है, ये बहुत स्पीड में, ऐसा लगता है आंधी आ रही है। पक गए मटर, इतना स्पीड देखो। तो गाइस ये देखें, अभी ये सारा दाना अभी निकलता आ रहा है, ये दाना सारा निकलता आ रहा है, बहुत ज्यादा दाना। और यहाँ पर देखिए ये पड़ी है सारी, अभी तो इतनी ज्यादा बची हुई है, ये भी अंदर डालेंगे। तो गाइस इस बार ना डाल देना, जब ये बेल बड़ी हो जाएगी ना बहुत ज्यादा मटर होंगे इस पे। नहीं अबरू क्या होंगे, वहाँ भी मटर हो रहे, गाइस हमारे खेत से इतने मटर आए हैं अभी, बस एक खेत का मटर फूट गया। वैसे आखिरी मटर था, उसके बाद चलते हैं, वो तो अभी छोटे हैं इसलिए उनको हम नहीं तोड़ रहे अपने खेत के मटर। चलो गाइस हमारे खेत के मटर इतने ज्यादा, गाइस हमारे खेत के मटर, मैंने सोचा नहीं था कि हमारे खेत के मटर इतने ज्यादा होंगे, इतने ज्यादा गाइस। तो ये थी दोस्तों आज की मेरी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल मुस्तफा व्लॉग्स जो है उनको सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। तो गाइस जो हमारे ना गाँव में ना आने वाला है मेला, उसको मैं वो भी दिखाऊँगा, उस व्लॉग के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबा दें, जब मेरा वो व्लॉग आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आपको पता लग जाए कि व्लॉग आ गया है। बहुत चीज़ें हम करेंगे मेले पे, बाय।